सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता जा रहा है, जहां भाजपा प्रत्याशी प्रेम कुमार धूमल के लिए उनके छोटे पुत्र अरुण धूमल व भाजपा सुजानपुर मंडल की पूरी टीम जोर लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र राणा की टीम भी घर घर जाकर प्रचार कर रही है। सुजानपुर में कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने अपने प्रचार अभियान के तहत सुजानपुर के वार्डों में वोट मांगे। अपने संबोधन के दौरान राणा ने GST, नोटबंदी और अनेकों मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने केवल जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं किया और प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यों में रोड़ा डालने के लिए केंद्र सरकार पीछे नहीं रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने काम किया है और आगे भी करेंगे, लेकिन भाजपा को केवल छींटाकशी करना ही आती है और कुछ नहीं। आज से 5 साल पहले जो राहु कहीं ना कहीं बैठा था वो खत्म हो गया है। अब जो है अब बृहस्पति उच्च का लग रहा है, और बृहस्पति जब उच्च का है तो पंडित जी सब कुछ ठीक ही ठीक होगा। मैं 2-3 बातें करके अपनी बात खत्म करूंगा। मित्रों, 16 साल हो गए मैं सुजानपुर की जनता के साथ, सुख में भी खड़ा हूं, दुख में भी खड़ा हूं, और विकास की बात आती है तो भी चट्टान की तरह सुजानपुर के साथ खड़ा हूं। जिंदा रहा, मैंने कभी सुजानपुर को नहीं छोड़ा। अरे धूमल साहब, आपके 2007 में बंसल के लोगों ने आपको MLA बनाया, और जो क्षेत्र बंसल का सुजानपुर में आ गया आपने तो उन लोगों को भी छोड़ दिया, वहां भी नहीं आए। अब आ रहे हैं, कहते मैं भदौरी देने के लिए आया हूं। मैं क्या धूमल साहब, 6 महीने के अंदर अंदर फसल आ जाती है घर में, और जब फसल आती है तो भाग्य को भी रोड चढ़ाना पड़ता है, तो भाग्य नष्ट हो जाता है। वो तो देखते हैं, ये तो जीवित देखते हैं सारे। आप 10 साल के बाद पनौड़ी देने के लिए आ रहे हैं तो 10 साल में देवते जो है वो प्रसन्न नहीं, अब तो सारे के सारे जो दुरुस्त हो गए हैं, ये बंसल के लोग हो रहे हैं। मैंने तो उनको कहा, मैं तो अभी भी कह रहा हूं, आप सभी यहां व्यापार से जुड़े हैं और हम केमिस्ट के पास दवाई लेने के लिए जाते हैं, अगर कहीं एक्सपायरी डेट दवाई की नजदीक हो तो ग्राहक की दवाई वापस कर देता है। मैंने कहा मोदी साहब ने जो फार्मूला बनाया कि भाई 75 के बाद पॉलिटिकल एक्सपायरी डेट है, तो धूमल साहब अब तो 6 महीने बचे हैं, क्यों चक्कर में पड़े हैं? ये देखो मैंने अरविंद रावत के सामने खड़ा है, अगर मोदी के फार्मूले को भी मान लें तो भी रविंद्र राणा की एक्सपायरी डेट जो है पॉलिटिकल एक्सपायरी डेट उसको भी अभी 25 साल है, अभी रेस्टा हो रहा है, अभी रेस्टा हो रहा है, अभी 25 साल सेवा करनी है। तो लोग जुड़ते हैं और जुड़ते हैं लंबे समय के लिए। मैं धूमल साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि एक काम बताओ जो सुजानपुर शहर के लिए आपने किया है। आप तो 2 बार मुख्यमंत्री रहे, रविंद्र राणा को तो 1 महीने का मौका दे दो, देखो सुजानपुर में क्या होता है, हिमाचल में क्या होता है। आपको 10 साल मौका दिया, आप यहां तक सुन रहे नहीं थी, सुजानपुर वाला रोड को भी आप वहां के लेके जा रहे थे, फसल स्कीम का दफ्तर खोलने की बात आई तो आपने रविंद्र राणा को कबरी करी, जलील कर दिया कि भाई SDM के दफ्तर दस्तखत करा के नहीं मिलते हैं, लोगों को भड़काओ बस। तो मैं तो घर के लिए कुछ मांग नहीं रहा था, मैं तो यहां की जनता के लिए मांग रहा था। आप पूछो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग धूमल के लिए वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, सही वोट तो दे देंगे, पर बता दो आपने किया क्या है। आपने किया है तो सुजानपुर का नुकसान किया है, फायदा कोई नहीं किया है। सुजानपुर की जनता ने अपने बेटे को, अपने भाई को जब MLA 2012 में बनाया, MLA नहीं बना, सुजानपुर का सेवादार बना, और एक अच्छे वकील की तरह, वकील अच्छा हो तो केस भी लड़ा जाता है, केस जीता भी जाता है, पर लड़ता नहीं है। जिसको धरती से प्यार होता है उस मिट्टी से प्यार होता है जिस मिट्टी में वो पैदा हुआ होता है।